अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट रेसिपी, बहुत झटपट तैयार होती है, मज़ेदार बनती है, डिफरेंट है, बहुत यूनिक है और बहुत कम मसालों में बनती है। तो बनाने वाले हैं ज़बरदस्त सा हम बाल्टी गोश्त, जो कि बहुत झटपट तैयार होता है। मैंने गोश्त पहले से गला लिया है क्योंकि हमने इंस्टेंट बनाना है। कोई भी मेहमान आ जाए परेशान बिल्कुल मत हो, गोश्त को गला के रख लें और फटाफट तैयार कर लें अपनी रेसिपी को। तो बनाने वाले हैं ज़बरदस्त सा बाल्टी गोश्त, वो भी इंस्टेंट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बाल्टी गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे मैंने दो बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने रफली कट कर लिया है। हाफ कप दही लिया है इसके अंदर। प्याज ली थी मैंने दो बड़े साइज़ की, उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। कुकिंग ऑयल लिया है हाफ कप। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। इसके अंदर जाएगी 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, ये भी डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। स्पाइसेस इसके अंदर मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, ये रोस्टेड वाला है, 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर है, इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया था, ड्राई रोस्ट करके इसको मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी मिर्चें हैं। ये सिर्फ हम कलर के लिए यूज़ करते हैं, इसका कोई भी स्पाइस नहीं होता है। तो ये सारे स्पाइसेस जाएंगे। इसके अलावा मैंने इसके अंदर लिया है हरी मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद और हरा धनिया लिया है हस्बे ज़रूरत। अब मैं बात कर लेती हूँ गोश्त की। गोश्त इसके अंदर मैंने लिया है गाय का विद बोन, ये बोन के साथ है, कुछ लोग इसको बनाते हैं बोनलेस, लेकिन मैं बोन वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि एक यखनी बनती है बहुत ज़बरदस्त सी। मैंने इसको सिंपली बॉईल कर लिया था, कोई नमक नहीं डाला था, इसको सिर्फ मैंने बॉईल किया है 100%। अच्छा, इसके साथ जो है ये इसकी यखनी है, जो इसमें से बची थी यखनी, इसका स्टॉक है तो हम यूज़ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी थी, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ ऑयल मैंने डाल दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज इसके अंदर डाल देंगे और प्याज को हम करेंगे ब्राउन, क्रिस्पी ब्राउन कर लेंगे, जैसे हम करते हैं कोरमे की उस तरह की कर लेंगे थोड़ी सी। बस ये थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो प्याज इंशाल्लाह ताला अच्छे से हमारी ब्राउन हो जाएगी। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, प्याज हमेशा हाई फ्लेम पर हम फ्राई करते हैं। प्याज को आप देख सकते हैं मैं हल्का हल्का ब्राउन कर रही हूँ, देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ही हो गई है, ये बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 2 तेज़पात के पत्ते डालूंगी। मैंने आपको नहीं बताया शुरू में, लेकिन ये डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है और साथ ही चली जाएंगी लौंगे 7 से 8 और 6 से 7 इसके अंदर काली इलायची। इसको डाल के मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि गर्म मसाले की भी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। गर्म मसाले डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, एक अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने हल्का सा भून लिया है, एक अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी ये वाले स्पाइसेस, सारे स्पाइसेस एक साथ डाल दूंगी। अच्छा, और स्पाइसेस डालने के साथ ही इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी यखनी, जो हमने जिसमें गोश्त को उबाला था मैंने बचाई थी, तो पानी डालने के बजाय हम थोड़ी सी यखनी ऐड कर लेंगे ताकि ये कि मसाले भूनने में आसानी रहे, वरना ये होगा ये जलने लगते हैं मसाले। तो साथ साथ यखनी भी डाल दें, लेकिन अगर आप गोश्त आपका गला हुआ नहीं है तो इसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यखनी थी तो मैंने इसलिए यखनी डाल दी। बस इसको मैं अच्छे से भूनूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। मसाला डाल के और थोड़ी सी यखनी डाल के मैंने अच्छे से भून लिया था। देखें इसमें से ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, यही इंडिकेशन है कि हमारे मसाले अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से भुन गए हैं। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी टमाटर, ठीक है, टमाटर चले जाएंगे। टमाटर डाल के इनको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। टमाटर डाल के मैंने इसको देखें नरम कर लिया है, टमाटर हमारे देखें अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी दही, दही जाएगा इसके अंदर, जो मैंने आपको दिखाया था इसको मैंने फेंट लिया था अच्छे से। दही डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। अच्छा, अब गोश्त तो हमारा गला हुआ है, अगर आपके पास गोश्त गला हुआ नहीं है, आपको साथ साथ गलाना है, तो आप दही डालने के बाद गोश्त डालेंगे और गोश्त डाल के फिर पानी डाल के उसको गलने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन मेरे पास गोश्त गला हुआ है, हम इंस्टेंट बना रहे हैं, तो बस हम गोश्त डाल के उसको भूनेंगे और हमारी रेसिपी इंशाल्लाह फटाफट रेडी हो जाएगी। दही डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं सारे मसाले अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे से घुले मिले हो गए हैं। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी जो गोश्त हमने रेडी करके रखा था, वो मैं सब एक साथ डाल दूंगी। ये देखें हमारा तैयार था गोश्त, अगर आपका कच्चा है तो आप इसी पॉइंट पर डालें और पानी डाल के उसको उबलने रख दें ताकि गोश्त गल जाए। ये सारा हड्डी वाला गोश्त है, देखें इसके अंदर थोड़ी नली भी है, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। बोनलेस का ये होता है कि हड्डियों का जो जूस होता है वो नहीं आता, तो उससे इतना
टेस्ट नहीं आता खाने के अंदर, तो मैंने हड्डी वाला यूज़ किया है। आप चाहें तो बोनलेस भी कर सकते हैं इसमें। बस ये गोश्त डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। गोश्त डाल के मैंने इसको बहुत अच्छे से देखे मिक्स कर लिया है, अच्छे से इसकी भुनाई भी हो गई है गोश्त के साथ, ताकि गोश्त के साथ भी सारी चीज़ें मिल जाएँ, यकजान हो जाएँ, एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह से हो गया अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ी सी यखनी डालूँगी। यखनी डालना ज़रूरी है क्योंकि सारा जो जायका है वो इसके अंदर आ चुका है। यखनी डाल के इसको मैं बस थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी ताकि ये सब चीज़ें आपस में अच्छे से पक जाएँ। बस अब मैं क्या करूँगी, इसको लेट लगा दूंगी इसके ऊपर और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाए। 10 से 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ गया है। जो हमने यखनी डाली थी वो भी अच्छे से इसके साथ पक गई है। थोड़ी सी ग्रेवी है जो कि होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई हम नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट के अंदर डालूँगी जो मैंने आपको हरी मिर्ची दिखाई थी, वो मैंने दरमियान में से इस तरीके से ये देखें कट कर ली थी। बहुत अच्छी लगती हैं ये खुशबूदार हरी मिर्चें डाल दी। साथ ही इसके अंदर चला जाएगी कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी है, ये मैं डाल दूँगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रश करके डालें। तो इस तरीके से मैंने कसूरी मेथी डाल दी है और साथ ही चले जाएंगे इसके अंदर हरा धनिया। हरे धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि कसूरी मेथी अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत खुशबूदार बनती है क्योंकि इसके अंदर हमने डाली है कसूरी मेथी। तो इंस्टेंट बनाइए आप, झटपट तैयार करें, बहुत लजीज बनती है। बस इसको मैं क्या करूँगी, सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी चूल्हे के ऊपर बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इसके अंदर सारे स्पाइसेस, मिर्चों की, हरे धनिए की एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। बाल्टी गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं माशाल्लाह से रेडी हो गया है, बहुत परफेक्ट बना है। कितना देखें, देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, थोड़ी सी ग्रेवी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ परफेक्ट बनी है। गोश्त हमारा पहले ही गला हुआ था, बहुत ज़बरदस्त और इंस्टेंट तैयार हो गया है। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है, अब मैं इसको सर्व करूँगी। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त सा बनता है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। गार्लिक नान के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। बाल्टी गोश्त को मैंने सर्व कर लिया था, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी। ज़बरदस्त लगता है खाने में, देखने में बहुत ज़बरदस्त लगता है। बस ये मैंने इसको ऊपर से गार्निश कर दिया है हरे धनिए से। ज़बरदस्त सा इंस्टेंट बाल्टी गोश्त हमारा रेडी हो गया है। इंस्टेंट बाल्टी गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया है, झटपट तैयार किया है। गोश्त हमने बॉईल कर लिया था, जस्ट हमने स्पाइसेस डाले और फटाफट खुशबूदार मज़ेदार सा बाल्टी गोश्त तैयार कर लिया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, नान के साथ खाइए, गार्लिक नान के साथ खाइए, इवन चपाती के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत मज़े का लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये डिश कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अगर कोई फरमाइश है तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिए, ज़रूर पूरी करूँगी। फिर मिलती हूँ, इजाज़त दीजिए, फातिमा को अल्लाह हाफिज़।